सहारनपुर में डेंगू का कहर, बुखार से बच्चे और दो महिलाओं ने तोड़ा दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। जिले में बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जिले में बुखार से होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। 24 घंटे के अंदर 6 साल के बच्चे सहित दो महिलाओं की मौत हुई है। बुखार का संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम नाकाफी है। लगातार जिले में डेंगू के केसेस की संख्या बढ़कर 249 पर पहुंच गई है। बिहारीगढ़ स्थित रविदास मंदिर के निकट स्वर्गीय सुनील कुमार के 6 वर्षीय बेटे जतिन को पिछले 3-4 दिनों से बुखार आ रहा था। परिजनों ने पहले जतिन को निजी चिकित्सालय के यहां दिखाया। आराम न मिलने की वजह से परिजन रविवार को सहारनपुर के एक अस्पताल ले गए, जहाँ उपचार के दौरान ही जतिन की मौत हो गई। जतिन की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। मृतक जतिन के पिता की कोरोना काल में मौत हो गई थी। नागल क्षेत्र के गांव कोटा निवासी अनुज कुमार की पत्नी अरुणा स्वामी पिछले 3 दिन से बुखार से पीड़ित थी, जिसका गांव में ही उपचार चल रहा था। अचानक रात तबियत बिगड़ने के चलते उसे गागलहेड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बड़गांव क्षेत्र के गाँव सिसोनी में छोटा 60 वर्षीय पुत्र अंबन की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 8 दिन पहले से बुखार आया था। अचानक से हार्ट अटैक से मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस प्रकार से सोनी गांव में 2 मौतों से मातम छाया हुआ है। बिहारीगढ़ क्षेत्र में बुखार का प्रकोप है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक कोई भी शिविर नहीं लगाया गया, जिससे वायरल बुखार को रोका जा सके। मुजफ्फराबाद चिकित्सा प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मंगलवार को पूरे गांव का सर्वे कराया जाएगा, एंटी लार्वा का छिड़काव भी होगा। वहीं सहारनपुर जिले में डेंगू के 4 और केस मिले हैं। डेंगू पीड़ित शहर की अलग अलग कॉलोनियों में रहने वाले हैं। जिले में अब डेंगू मरीजों की संख्या 249 हो गई है। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी डेंगू पीड़ित भर्ती हैं। ऐसे में लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो डेंगू की चपेट में आ जाएंगे। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। हालात ये है कि जिला अस्पताल के न्यू मेडिकल वार्ड के बाहर भी बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों की संख्या के आगे बेड कम पड़ गए हैं। नागल, बड़गांव और बिहारीगढ़ में बुखार से मौत की जानकारी नहीं है। टीम भेजकर पता लगाया जा रहा है कि मौत का कारण क्या रहा। जहां जहां मौत हुई वहां पर शिविर लगाकर लोगों की जांच कराई जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना। इस खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहें सिटी वेब के साथ।